अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो में हम बात करें थे डट डट दो के बारे में। तो जाने तेरे वीडियो तो एंड तक लास्ट भी देखिए। सो मेरा नाम है अब्दुनीम और आप देख रहे हैं वन एक्सप्लेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले व्हाट इज डट डट दो? तो देखिए, डट डट दो जो है ये वेब बेस्ड सर्च इंजन है जिस तरह डूडल है। अब देखिए, जिस तरह डूडल में जो है हमें सर्च बार देखने को मिल जाती है, वहाँ हम अदर किसी भी चीज़ तो टाइप करते हैं तो उसके बारे में जितने भी वेब पेजेस, इमेजेस, फोटोज, वीडियोस बहुत सारा होती है, उसके रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। इस तरह डट डट दो जो है वो भी एक डूडल की तरह ही सर्च इंजन है। यहाँ पर भी हमें सर्च बार मिल जाती है जिसकी मदद से जो हम इंटरनेट में किसी भी चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो बात करते हैं डट डट दो तो किसने बनाया था। तो देखिए, डट डट दो तो जो है गैब्रिएल वैनबर्ग ने 2008 में बनाया था। ओटरेंटी यही डट डट दो के CEO है। डट डट दो वर्सेस डूडल, तो देखते हैं आप ते डट डट दो और डूडल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जैसे थे हम सारे जानते हैं, जब भी हम डूडल पे किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो डूडल जो हमारे सर्च डेटा तो स्टोर कर लेता है और फिर उसके बेस पर जो है अपने सर्विस पर जो है हमें एड्स दिखाता है और इस तरह जो है डूडल कंपनी जो है पैसे कमाती है। लेकिन अगर हम बात करें डट डट दो के बारे में, तो डट डट दो पे अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो वहाँ जो है हमारा डेटा तुलट नहीं होता और ना ही उसका यूज़ करते हमें किसी और सर्विस पर जो है ऐड दिखाती है। तो इसीलिए डट डट दो जो है प्राइवेट और प्राइवेसी बेस्ड सर्च इंजन है। तो देखिए, अब आप जो भी तुझ डूडल में सर्च करते हैं, जो तुझ डूडल में हमें रिजल्ट मिलते हैं, सेम टू सेम जो हमें डट डट दो में भी मिलते हैं सर्च रिजल्ट। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि आप तो डट डट दो यूज़ करना चाहिए डूडल के बजाय या नहीं। तो देखिए, अगर आप भी उन लोगों में से है जो ते पॉलिसी तो लेते बहुत अनसर्ट हैं अपनी और वो अपने डेटा तो डूडल के साथ से नहीं करना चाहते और वो इंटरनेट तो सर्व करना चाहते हैं एनोनमसली, तो हाँ डट डट दो आप तेरे ही है और आप तो सर डूडल तो छोड़ते डट डट दो यूज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जिन्हें अपनी पॉलिसी का इतना कंसर्न नहीं है, वो होते हैं डूडल के साथ अपना थोड़ा बहुत जो है डेटा से करने के लिए, तो आप जो है आप डूडल तो ही यूज़ करिए। अदर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डट डट दो जो है अदेन ये बहुत ही प्राइवेट और पॉलिसी तो मद्देनजर में रखते बनाया गया है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह डट डट दो तो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डट डट दो की वेबसाइट पे आ जाते हैं, लिंक आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, डूडल की तरह यहाँ पे हमें सर्च बार देखने तो मिल जाती है। हम या कोई भी चीज़ सर्च कर सकते, जैसे थे हम अपने चैनल तो सर्च करते हैं अवेयरनेस पे, सिंपल इंटरप्रेस करते हैं तो यहाँ दे सकते हैं तो हमें जो है इससे रिलेटेड अवेयरनेस प्लेन से वेब पेजेस भी मिल रहे हैं, उसके बाद इमेजेस भी मिल रही है, वीडियोस, न्यूज़, मैप, जिस तरह सेम टू सेम हमें डूडल पे रिजल्ट मिलते हैं उसी तरह हमें यहाँ पर भी रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अगर आपने डट डट दो यूज़ करना है तो आप डट डट दो तो यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो अभी जल्दी से चैनल तो सब्सक्राइब करिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।